होंडा की NX200, क्या ये मोटरसाइकिल इंडिया में आएगी? इफ यस, तो क्या रहेंगे इसके डिटेल्स, इसका इंजन, इसकी परफॉर्मेंस, इसके फीचर्स, एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड टाइम लॉन्च एंड ऑफ कोर्स इसके राइवल्स? वेल, सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा इसी वीडियो में राइट नाउ। इससे पहले कि मैं शुरू करूं बाइक की डिटेल्स को लेकर, फ्रेंड्स, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। कुछ हफ्ते पहले मैं बेनेली की TRK 502 पे हिमाचल प्रदेश गया था। उसका प्रॉपर डिटेल ट्रैवल लॉग इज ऑलरेडी ऑन माय चैनल। द लिंक टू दैट वीडियो इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप देखना मत भूलना। एंड सेकेंड थिंग, वेरी सून आई विल बी हिटिंग दी 50,000 सब्सक्राइबर मार्क। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर द सपोर्ट। आई एम अप्रॉक्सिमेटली 1,400 सब्सक्राइबर्स शॉर्ट ऑफ द मार्क। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया, प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो शुरू करते हैं विद दी NX200। पिछले कुछ महीनों से होंडा टू व्हीलर्स ने काफी काम करा है फ्रॉम द एंथुसियास्ट पॉइंट ऑफ व्यू। दी हॉर्नेट 2.0 और उसके बाद आई थी होंडा की CV350। CV350 हैज बीन अ रनअवे सक्सेस। एंड इफ ऑल गोज वेल, कि सारे रूमर्स जो आ रहे हैं अगर वो ट्रू निकले, तो अगली बाइक फ्रॉम होंडा कुड बी दी NX200। इसका नाम हैज बीन रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है, विच मीन्स दिस बाइक कुड फाइनली बी कमिंग टू इंडियन शोर्स। नाउ दिस विल बी अफोर्डेबल टूरर फ्रॉम होंडा मोटरसाइकिल्स। होंडा जानती है कि इंडिया में इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ये कैटेगरी ऑफ एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक्स या एंट्री लेवल टूरिंग बाइक्स ये काफी ऊपर उठी है। राइड फ्रॉम द रॉयल इनफील्ड हिमालयन विच इज गियर टूवर्ड्स एडवेंचर, टू दी एक्सपर्स 200 जो अगेन एडवेंचर बाइक है, एक्सपर्स 200T विच इज मोर ऑफ अ टूरिंग मोटरसाइकिल एंड सो ऑन। तो ये सेगमेंट काफी हॉट हो चुका है। डोमिनार के 250 है, KTM की एडवेंचर 250 है, और इसी सेगमेंट के अंदर बेस टूवर्ड्स सॉफ्ट एडवेंचर टूरिंग होंडा की NX200 विल बी योर नेक्स्ट ऑप्शन। होंडा ऑलरेडी ऐसी बाइक्स को मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है इंटरनेशनली, फॉर एग्जाम्पल इन द चाइनीज मार्केट एज वेल एज सिंगापुर। इसका नाम फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर के अंदर है CB190X। दिस हैज बीन ऑन सेल इन सिंगापुर फॉर लॉट ऑफ इयर्स। तो होंडा को फॉर द इंडियन मार्केट एक ऑल न्यू बाइक नहीं बनानी पड़ेगी। दे विल ओनली हैव टू एडजस्ट एंड ट्वीक द बाइक एज पर इंडियन कंडीशंस, एज पर द राइडर रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स द BS6 एमिशन नॉर्म्स। मैं बात करता हूँ BS6 एमिशन नॉर्म्स की। सो इंजन कम्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द इंजन ऑफ द मोटरसाइकिल। ये इंजन विच पावर्स दी CB190X इन सिंगापुर या चाइना, सेम इंजन इंडिया में आता है विद दी हॉर्नेट 2.0। हाउएवर एंड थैंकफुली फॉर द इंडियन मार्केट, जो हॉर्नेट 2.0 है उसकी जो आउटपुट है पावर एंड टॉर्क की, दैट इज वे हायर एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल वर्जन्स। सो अगर बात करूं ऑन पेपर, दी हॉर्नेट 2.0 इट प्रोड्यूसेस ओवर 17 PS ऑफ पावर एंड ओवर 16 Nm ऑफ टॉर्क। दीज आर हेल्दी फिगर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बाइक काफी लाइट वेट है, 142 kg। सेम इंजन इस्तेमाल होएगा इन दी NX200 एंड अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस आती भी हैं फ्रॉम टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो बाइक तब भी 150 kg से कम रहेगी, विच इज एक्चुअली लेस देन दी एक्सपल्स 200। सो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक दिस बाइक फॉर द प्राइस सेगमेंट विल बी सॉर्टेड। उसको एक स्टैंडर्ड 5-speed गियरबॉक्स मिलेगा, फ्यूल इंजेक्शन रहेगी, BS6 एमिशन नॉर्म्स भी वो बाइक मीट करेगी। सो इंजन के बाद जो मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज अबाउट द प्राइसिंग, द पॉसिबल प्राइसिंग फॉर द NX200। ये बाइक विल बी बेस्ड ऑन द हॉर्नेट 2.0 और हॉर्नेट का प्राइसिंग इंडिया में इज करंटली जस्ट अंडर 1.3 lakh rupees एक्स शोरूम डेली। हाउएवर द NX विल बी अ टूरिंग बाइक, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होने वाले हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइसिंग टू बी अप्रॉक्सिमेटली 1.4 lakh rupees एक्स शोरूम डेली। डेफिनेटली अगर मैं कंपेयर करता हूँ विद इट्स इमीडिएट राइवल जो 200T है, नॉट द नॉर्मल एक्सपल्स 200, जो 200T है उसके मुकाबले NX200 विल डेफिनेटली बी मोर एक्सपेंसिव। हाउएवर साइज, डिजाइन एंड फीचर्स को लेकर बात करूं, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे आप पे करेंगे फॉर द NX200 विल डेफिनेटली बी वर्थ इट। प्राइसिंग के बाद आई वांट टू टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड टाइम लॉन्च फॉर दिस मोटरसाइकिल। वी ऑल नो पैंडेमिक की वजह से काफी कार्स एंड बाइक्स का जो लॉन्च था, दैट हैज बीन डिलेड बाय लॉट ऑफ मंथ्स एंड द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द NX200 एज वेल। हाउएवर होंडा हैज बीन मूविंग एट अ गुड पेस फॉर एंथुसियास्ट। दे अंडरस्टैंड कि जो 200cc वाली जो कैटेगरी है, जो सुपर कैटेगरी है, काफी रिक्वायरमेंट्स है मार्केट के अंदर, डिमांड बढ़ती जा रही है। सो मेरा अजम्पशन ये है कि जो फेस्टिव सीजन आता है उस टाइम पे काफी मैन्युफैक्चरर्स अपने इंपॉर्टेंट लॉन्चेस आगे लेके आते हैं। सो NX200 मोटरसाइकिल
could be in showrooms by September or October if everything goes well. Fingers crossed for that. शोरूम्स के बारे में बात करें तो होंडा का एक प्रीमियम डिवीजन भी है, दी बिग विंग मोटरसाइकिल्स, जहां पे आपकी बिकती है CB350, तो NX200 कहां पे जाएगी, नॉर्मल शोरूम्स के अंदर या टू दी प्रीमियम शोरूम्स? मेरे ख्याल से दैट विल बी रिजर्व फॉर दी नॉर्मल शोरूम्स ओनली. वो हॉनर 2.0 के साथ ही डिस्प्ले होने वाली है. इट विल नॉट बी गोइंग टू दी बिग विंग मोटरसाइकिल्स शोरूम्स, जहां पे आई थिंक दी लोअर कैफ विल बी दी CB350. उससे नीचे कोई बाइक आती है दैट माइट जस्ट गो टू नॉर्मल शोरूम. 350 cc ऊपर बाइक आती है दैट विल गो टू द बिग विंग शोरूम्स. राइवल्स कौन से हैं उसके बारे में बात करने से पहले लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द फीचर्स ऑफ द मोटरसाइकिल. ये बाइक बिकती है इन सिंगापुर एंड चाइना, बट आई थिंक फॉर द इंडियन मार्केट इसके अंदर कुछ न कुछ चेंजेस होने वाली हैं. ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे आगे USD फोक्स, अपसाइड डाउन फोक्स विच आर मच बेटर देन यू कन्वेंशनल फोक्स. आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे. फ्रंट टायर कुड बी 110 मिलीमीटर, द रियर कुड बी 140 मिलीमीटर. डुअल चैनल ABS मिलेगा, मतलब आगे भी और पीछे भी. इंटरनेशनली इसको एक फुल डीजी कंसोल नहीं मिलता है, बट दिस इज अ चेंज दैट होंडा कुड मेक फॉर द इंडियन मार्केट. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फुल डीजी कंसोल विद योर कनेक्टेड फीचर्स, तुमने देखे थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेगमेंट इन द CB350. इसके अलावा ये टूरिंग बाइक है, आई एम श्योर होंडा नोज कि लोग कहीं ना कहीं इसको एक सॉफ्ट ट्रेल्स के अंदर भी लेके जाएंगे ऑफ दी रोड. तो इसमें आपको मिल सकती है अ प्रॉपर मेटल बैश प्लेट. The ground clearance will also be decent enough for your touring fantasies, for your slight adventure needs off the road. The seat will be a single long seat, usme dual split seat aapko nahi milne wali hai. The tank could be approximately 12 to 13 liters. Currently iska international version mein 12 liter ka tank milta hai, and given ki Honda ki motorcycles kafi efficient hoti hai, with such a tank of 12 liters aapko easily highway pe approximately 500 km ki range mil jayegi. To the tank could be at 12 liters. इंटरनेशनली इसको LED लाइट्स नहीं मिलती हैं, बट इंडिया में इस सेगमेंट के अंदर दीज लाइट्स आर अ क्रेज. मैन्युफैक्चरर्स ऑफर करते हैं, होंडा भी करता है, तो मेरे ख्याल से फॉर द इंडियन मार्केट इट कुड गेट अ फुल LED सेटअप. फ्रंट हेडलाइट, टेल लैम्प, इंडिकेटर्स, एवरीथिंग कुड बी LEDs. इसका विंडस्क्रीन इज रियली इंप्रेसिव, काफी लंबा विंडस्क्रीन है, बट होंडा शायद इसमें एक एडजस्टेबल फीचर नहीं देगा. बट फॉर स्टॉक राइडर्स, फॉर एन एवरेज इंडियन हाइट ऑफ 5'9", 5'10", द करंट विंडस्क्रीन, द स्टॉक विंडस्क्रीन could be more than ample. तो ये सारे फीचर्स रहेंगे फॉर दी बाइक फॉर इंडिया, दी NX200 फॉर इंडिया. वंस अगेन कहने में ये 200 है, बट इसके अंदर आपको मिलेगा एक 184.4 cc का इंजन फ्रॉम दी हॉर्नेट 2.0. एंड फाइनली बात करते हैं अबाउट दी राइवल्स. नाउ इंडिया के अंदर जो टू कैटेगरीज होती हैं, एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की एंड टूरिंग मोटरसाइकिल्स की, वो काफी फ्यूज हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल टूरिंग के अंदर हमारे पास आती है डोमिनार 250 एंड डोमिनार 400, बट वही राइडर्स कई बार देखते हैं टूवर्ड्स KTM एडवेंचर 250 या KTM एडवेंचर 390, जो बेसिकली एडवेंचर बाइक्स हैं. लाइकवाइज आपकी एक्सपल्स 200 इज एडवेंचर बाइक, बट लोग टूरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. एक्सपल्स 200T इज बेसिकली अ टूरिंग मोटरसाइकिल, बट लोग उसको सिटी के लिए भी यूज करते हैं. तो इस प्राइस के अंदर फॉर दी NX200, अगर सिर्फ प्राइस को देखता हूं तो बहुत बहुत सारे फीचर्स हैं, बट सॉरी बहुत सारे राइवल्स हैं. बट फॉर अ डायरेक्ट कंपेरिजन मेरे ख्याल से लोग इसको सर्च करेंगे टू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस बाइक एंड दी एक्सपल्स 200 एंड दी एक्सपल्स 200T. हाउएवर हीरो की जो ऑफरिंग्स है वो उससे थोड़ी सस्ती हैं, बट अगेन जो इसके जो लुक आने वाली है NX 200 की, दैट इज वॉट पीपल विल डेफिनेटली वॉन्ट टू बाई एंड विल बी एबल टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर दी NX 200. सो ये थे ऑल द डिटेल्स यू वॉन्टेड टू नो अबाउट दी NX 200. कोई अगर मैंने इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है तो गाइज यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो, मैं इमीडिएटली उसका आंसर करूंगा. माई पर्सनल बाइक एज सम ऑफ यू नो इज दी GS310, दी BS6 वर्जन ऑफ दी BMW GS310. उसका फ्यूल इकोनॉमी रन बहुत टाइम से पेंडिंग है, आई नो, बट करंटली अभी इंडिया में लॉकडाउन है. टूडे इज दी 2nd of May. दिल्ली के अंदर ओनली एसेंशियल सर्विसेज आर अलाउड, सो आई एम नॉट गोइंग आउट. आई एम स्टिल शूटिंग इन माई हाउस एज यू कैन सी. तो फ्यूल इकोनॉमी रन ऑफ द GS इज पेंडिंग, बहुत जल्द आने वाला है. उसके अलावा आई विल बी गेटिंग अ कपल ऑफ एक्सट्रीम 160Rs फ्रॉम हीरो. वो बाइक करेंटली सचिन एंड किरण के पास है, वेरी फेमस राइडर्स एंड यूट्यूबर्स. वो उत्तराचल से आज वापस आने वाले हैं, तो बाइक मेरे यहाँ पे छोड़ देंगे बिकॉज शोरूम्स बंद हैं. तो मैं शायद कुछ एक्सट्रीम को लेके भी कुछ करूंगा वीडियो, कुछ स्पेशल वीडियो करना है उसके अराउंड. तो गाइज लेट मी नो. एंड येस, द GS इकोनॉमी विल बी कमिंग अप. And as I keep on saying guys, आपके 10 सेकेंड कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू माई चैनल. अगर नहीं किया अभी तक, प्लीज करें सब्सक्राइब, एंड ऑफ कोर्स हिट द बेल आइकन एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.